दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पहले चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों आप देख रहे हैं पीछे वीडियो चल रहे हैं, ये संस्कृत ग्रामर और संस्कृत लिटरेचर से संबंधित है। दोस्तों आपका ये चैनल बहुत ही अधिक रिच हो चुका है, 100 से अधिक वीडियो संस्कृत के इस पर डाले जा चुके हैं और बहुत ही जल्दी आपको इस पर एक ऐप भी देखने को मिलेगा, यानी आप ऐप डाउनलोड कीजिए और ऑफलाइन भी उसको चला सकेंगे। उस पर आपको वीडियो शेप में और क्वेश्चन फ्रेमिंग के रूप में आपको संस्कृत के इंपोर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में मिलेंगे, यानी कि आपके लिए संस्कृत बहुत ही आसान होने जा रही है। आपको किसी कोचिंग में या किसी और कहीं पढ़ने के लिए इसको जाने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लौकिक साहित्य के तहत कवि अश्वघोष की। अश्वघोष के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये एक ऐसे कवि थे जिनके जन्म पर जो है घोड़े हिलने आए थे, इसलिए इनका नाम अश्वघोष रखा, यानी कि अश्वों की आवाज। लेकिन सत्यता क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि अश्वघोष से संबंधित कृतित्व और व्यक्तित्व से कौन कौन से सवाल अभी तक पूछे गए हैं और कौन कौन से सवालों के आने की संभावना है। तो आइए चलते हैं क्लास रूम की तरफ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों अब हम देखेंगे लौकिक साहित्य में महाकवि अश्वघोष, ठीक है ना। देखो कवियों के बारे में दो तरह के सवाल आते हैं, एक तो आता है इनके व्यक्तित्व से संबंधित, यानी कि इनके माता पिता कौन थे, कहां के रहने वाले थे, इन्होंने किस विधा में लिखा और क्या लिखा। दूसरा आता है इनके कृतित्व से संबंधित सवाल, यानी कि इन्होंने क्या लिखा, उसमें है क्या, उसकी प्रतिभा विषय क्या है और उसमें अंदर जो है क्या क्या मेटेरियल है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हमें देखना होता है। तो अश्वघोष की हम बात करेंगे। तो अश्वघोष देखो सबसे पहले जो है अपने देखेंगे इनका जन्म कहां होगा। अश्वघोष का जन्म हुआ साकेत नगरी, ये साकेत अयोध्या में है, ठीक है ना। तो इनका जन्म हुआ साकेत अयोध्या में, ये पहला सवाल बनता है, ठीक है, इस तरह सवाल बनता है। फिर ये इनका जो समय है, समय क्या है इनका, 78 ईसा पूर्व, ठीक है ना। समय क्या है इनका, 78 ईसा पूर्व। अब 78 ईसा पूर्व क्या हुआ, कनिष्क का काल था वो, ठीक है ना। फिर ये कनिष्क के सभा पंडित थे, दूसरी बात। दूसरा सवाल, ये किसके सभा पंडित थे, ये राजा कनिष्क के सभा पंडित थे। इनकी माता का नाम क्या था, स्वर्णाक्षी मां, है ना। और चौथा, ये ब्राह्मण थे और बाद में ये बौद्ध हो गए, पहले ये ब्राह्मण थे बाद में ये बौद्ध हो गए, लेकिन इन्हें बनाया किसने, बौद्ध, ठीक है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके नेट जो लोग कर रहे हैं वो देख ले। पूर्ण यशस, एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था पूर्ण यशस, है ना, उन्होंने इन्हें बौद्ध बनाया, ठीक है, उन्होंने इन्हें बौद्ध बनाया। फिर मैं बता चुका हूं जन्म इनका साकेत में हुआ, ठीक। ये सवाल इनके अश्वघोष के बारे में पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन ये आप विश्वास रखो कि कृतित्व के सवाल जो हैं अश्वघोष के, इन छह सवालों से बाहर नहीं जाएंगे, है ना, ये विश्वास रखो। अब देखो इनका कृतित्व, इन्होंने क्या क्या लिखा, अश्वघोष ने जो लिखा वो इनके 8 ग्रंथ हमें मिलते हैं। पहला है बुलचरित्र, ठीक है ना, जिसमें सर कितने हैं, 28, यहां सर्गों की संख्या पूछता है। फिर दूसरा था सौंदर्य ग्रंथ, ठीक है ना, इसमें 18 सर्ग है। तो सर्गों की संख्या हमें दो जगह मिल रही है, बुद्धचरित में और सौंदर्य नंद में, ठीक है, बुद्धचरित में 28 सर्ग है और सौंदर्य नंद में 18 सर्ग है। तीसरा जो इनका ग्रंथ है वो है सूत्र अलंकार, है ना, तीसरा है सूत्र अलंकार। चौथा है वज्र सूची, ठीक है, पांचवा है गंडी स्त्रोत गाथा, चौथा वज्र सूची, पांचवा गंडी स्त्रोत गाथा, ठीक, लिखा हुआ स्पष्ट नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, आप इनको सुन लो। छठा है महायान श्रद्धोत्पाद, महायान श्रद्धोत्पाद। सातवां है राष्ट्रपाल, यानी कि इन्होंने जो नाटक लिखा वो है, उसका नाम है राष्ट्रपाल नाटक, ये केवल चीनी भाषा में है। तो एकमात्र नाटक है जो चीनी भाषा में है, अश्वघोष का एकमात्र नाटक जो चीनी भाषा में, उसका नाम है राष्ट्रपाल नाटक। ये सवाल टिपिकल पेपर्स में ही आता है। अच्छा, इनका जो आठवां ग्रंथ है वो है शारीपुत्र प्रकरणम, आठवां कौन सा है, शारीपुत्र प्रकरणम, इसमें 9 अंक है। तो अश्वघोष का कृतित्व देखेंगे तो इनके 8 ग्रंथ मिलते हैं, बुद्धचरित जिसमें 28 सर्ग हैं, सौंदर्य नंद जिसमें 18 सर्ग हैं, तीसरा है सूत्र अलंकार, चौथा वज्र सूची, पांचवा गंडी स्त्रोत गाथा, छठा है महायान श्रद्धोत्पाद और सातवा है राष्ट्रपाल नाटक जो कि केवल चीनी भाषा में ही है, ये विशेष रूप से याद रख लेना इस चीज को। फिर आठवां है शारीपुत्र प्रकरणम, ठीक है ना, इसमें 9 अंक है। तो ये अश्वघोष के बारे में मूल मूल चीज। अब अश्वघोष ने कोई रचना लिखी, ठीक है ना, जैसे
कोई भी रचना लेने बनी इसकी और उससे संबंधित सवाल, तो हम केवल वही लेंगे जो महत्वपूर्ण है और जो हमारे सिलेबस में अक्सर होती है। तो इनका पहला जो अपन लेंगे वो लेंगे बुद्ध चरित्र, ठीक है ना। बुद्ध चरित्र इसमें 28 सर्ग है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अश्वघोष का जो है बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग है, लेकिन हमें इसमें क्या होता है केवल 14 सर्ग ही प्राप्त होते हैं, बाकी सर्ग प्राप्त नहीं होते, है ना। 14 सर्ग प्राप्त होते हैं केवल, ठीक है। देखो ये सवाल है कि कुल 28 सर्ग है लेकिन प्राप्त कितने होते हैं, 14, ठीक है। अच्छा, और फिर बाकी जो सर्ग है 14 सर्ग इसके प्राप्त होते हैं, कहा जाता है ऐसा कि क्या कि 15 से जो 28 सर्ग थे, है ना, कुछ लोग कहते हो मिलते नहीं है, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि 14 सर्ग तक तो इसके प्राप्त होते हैं, लेकिन जो 15 से 28 सर्ग थे, है ना, वो क्या है, वो संस्कृत में नहीं है, वो संस्कृत में नहीं है। तो संस्कृत में नहीं है तो किस भाषा में है, संस्कृत में नहीं है, वे किस भाषा में है, नेपाली भाषा में, है ना, नेपाली में है। तो यानी कि कनिष्क का साम्राज्य जो था वो पूर्व की ओर था, नेपाल की ओर था, तो इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध चरित्र के 14 सर्ग प्राप्त होते हैं। और दूसरा मत ये कि इनके जो 15 से 28 सर्ग हैं वो प्राप्त होते हैं लेकिन वो नेपाली भाषा में, इसलिए उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता, ऐसा विभिन्न विद्वानों में एक अपवाद या विवाद चलता रहता है। अच्छा, अब देखो बुद्ध चरित्र के 28 सर्गों में से कुछ सर्ग हैं जिनके बारे में सवाल पूछा जाता है। बुद्ध चरित्र महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित एक ग्रंथ है, इसमें इन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में बताया। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसका कौन सा सर्ग, पांचवा सर्ग। पांचवा सर्ग क्यों महत्वपूर्ण है, पांचवे सर्ग में सवाल क्या आता है, पांचवे सर्ग में से आता है क्योंकि इसमें महावीर निष्क्रमण के बारे में बताया गया है। महावीर निष्क्रमण क्या है, जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था, अपना राज्य छोड़ा था, अपने पत्नी बच्चे सबको छोड़ा था, तो उस जो क्रिया को, है ना, उस स्थिति को क्या कहा गया, महावीर निष्क्रमण, यानी कि वो सबको छोड़ करके चले गए थे। तो इसका जिक्र कहां आया है, बुद्ध चरित्र में 28 सर्गों में से पांचवे सर्ग में महावीर निष्क्रमण का चित्र, जो क्या नाम से चित्रण किया गया है। दूसरा इसका सर्ग जो महत्वपूर्ण है वो है चौदवा सर्ग, है ना, चौदवा सर्ग। इसमें क्या बताया गया, इसमें क्या हुआ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई, है ना, ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। तो इसलिए महत्वपूर्ण है दोनों सर्ग, पांचवे में तो हुआ महावीर निष्क्रमण और चौथे में हुआ ज्ञान प्राप्ति, यानी कि बुद्ध चरित्र जो मिलता है केवल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति तक ही मिलता है। इसके आगे जो साहित्य है वो मिलता है 15 से 28 सर्ग का, और वो संस्कृत में नहीं, नेपाली भाषा में। तो अश्वघोष के सवाल इन सवालों से बाहर नहीं जाएंगे, किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। आप कोई सा भी एग्जाम, कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, ये मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आप जितने ज्यादा कमेंट करेंगे और जो भी कमेंट में लिखेंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपकी डिमांड क्या है, और मैं उस पर नई नई वीडियोज आपको बना करके डाल सकूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों इसमें एक बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, क्योंकि उससे जो भी नई वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप तक बहुत जल्दी पहुंचेगी। तो दोस्तों ऐसे किसी वीडियो के साथ मैं बहुत ही जल्दी हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।